Assalamualaikum, we are solving this exponential equation, then find the value of x. हम लोगों ने इस equation में से x की value को find out करना और left hand side is equal to right hand side equal लाना है। यहाँ पे हमारे पास तीन terms देगी कि 2 की power x plus 4 power x plus 8 power x, ठीक है? अब simplification कैसे होती है वो देखनी है सबसे पहले। First of all यहाँ पे हमारे पास 2 की power x है, यहाँ पे 4 की power x है। अगर इस 4 की power x को मैं 2 की power x जैसा बना लूँ, हम इसको easily let कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 की power x plus 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 की पावर 2 और ब्रैकेट x आ जाएगा, ठीक है। प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और x इज इक्वल टू 39। तो ये हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। हमने 4 को क्या लिखा, 2 की पावर 2 4 एंड 2 की पावर 3 8। तो हम लोगों ने सिंपल इसका एलसीएम लेके इसको सिंपलीफाई कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस अब इस x को अंदर लें पावर को बाहर ले जाए 2 की पावर x ब्रैकेट 2। ये वही चीज बनेगी, x और 2 2x ही बना रहा है, बस x को हम लोगों ने अंदर लिख लिया प्लस 2 की पावर x और 3 इज इक्वल टू 39, ठीक है स्टूडेंट्स। देन हम लोगों ने इसको क्या कर लिया 2 की पावर x 2 की पावर x, अब ये सारे सेम हो गए 2 की पावर x। अब लेट कर लेंगे हम लोग, लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x, लेट y इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब हम लोगों ने इसको लेट जो किया, अभी हम लोगों ने पुट कर लेना y प्लस y स्क्वायर प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 39। अब हम इसे रीअरेंज कर लेंगे, रीअरेंज करना ऐसे कि y क्यूब प्लस y स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 39, ठीक है। देन हम लोगों ने अब इसको फैक्टराइज करना है, क्या करना है फैक्टराइज। अब कैसे फैक्टराइजेशन होती है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक चीज आप लोग जानते हैं, यहाँ पे एक लाइन लगा के हिंट में देता हूँ कि देखें y स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ माइनस 3 y स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर, लिख सकता हूँ माइनस 3 y स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर बच जाएगा, तो y स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल है। देन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसकी जगह लिखूंगा y क्यूब प्लस माइनस 3 y स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर, इसकी जगह मैंने फैक्टराइज करके ये लिख लिया, ठीक है। प्लस वाई इज इक्वल टू 39, प्लस वाई इज इक्वल टू 39। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी, ठीक हो गया। देन अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे कर लेना, ठीक है, यहाँ पे एंड इस साइड पे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई प्लस 4 वाई, तो यहाँ से वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इक्वेशन को मैं दोबारा लिख लेता हूँ कि वाई क्यूब माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 39, कॉमन ले लेते हैं इससे, हमारे पास वाई कॉमन आ गया तो वाई माइनस 3 बच गया, प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 39। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। इसके बाद देन हम लोगों ने क्या करना है, यहां से वाई स्क्वायर कॉमन आया, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉमन है। अब हम लोगों ने इस वाई को भी फैक्टराइज कर लेना, इस वाई को फैक्टराइज करके 39 को इस साइड मूव कर ला देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर वाई माइनस 3 प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 39 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। देन अब हम लोगों ने क्या करना है, हिंट दे दूं कि अगर वाई लिखा हुआ है सिर्फ वाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 12 वाई प्लस 13 वाई, 12y 13y, तो y इज इक्वल टू प्लस वाई बच जाएगा, क्योंकि 12 में से 13 को माइनस करेंगे, माइनस 12y में से 13y माइनस किया तो प्लस वाई आ गया। अब इसको हम लोगों ने फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर वाई माइनस 3 प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस माइनस 12y माइनस 12y प्लस 13y माइनस 39 इज इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने इसमें से कॉमन ले लेना है और यहां से कॉमन ले लेना है, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी वाई स्क्वायर वाई माइनस 3 प्लस, यहां से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, एक आ रहा है 4 कॉमन और एक आ रहा है y, तो सिर्फ अंदर y बच जाएगा और इसकी जगह माइनस 3, यहां से हमारे पास प्लस 13 कॉमन आ रहा है तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 3 y माइनस 3 और y माइनस 3 तीनों फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो y माइनस 3 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बच गया वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हम लोगों के पास ये क्या आ गया,
फैक्टर आ गए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि y माइनस थ्री को जीरो के बराबर रखेंगे, ठीक है, देन हम लोगों ने वाई स्क्वेयर प्लस फोर वाई प्लस थर्टीन को जीरो के बराबर रख लेना है, ठीक है। अब हम लोगों ने इन दोनों के अलग अलग क्वेश्चन फाइंड आउट करने, तो y का एक आंसर आ गया थ्री, और थ्री एक रियल नंबर है, तो ठीक है, ये एक रियल नंबर, रियल आंसर आ गया, ठीक है, रियल नंबर। देन इसके ऊपर आप लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा लें, डिस्क इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, और इसके जरिए हम बता लेंगे कौन सा रूट्स है, ठीक है। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे इस इक्वेशन के ऊपर, तो यहां आ जाते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन है ये वो है ये वाई स्क्वेयर, ठीक है, वाई स्क्वेयर थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, वाई स्क्वेयर प्लस फोर वाई प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो, प्लस थर्टीन इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, तो बी है फोर का होल स्क्वेयर माइनस फोर ए की वन, और सी हमारे पास थर्टीन इज इक्वल टू जीरो। देन हम लोग करेंगे सिक्सटीन माइनस फोर थर्टीन, फोर जार हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, थर्टीन फोर जार फिफ्टी टू इज इक्वल टू जीरो, सिक्सटीन माइनस फिफ्टी टू कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिक्सटीन माइनस फिफ्टी टू माइनस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो, सो माइनस थर्टी सिक्स इज लेस देन जीरो। तो ये हमारे पास कौन सा रूट्स आ गया, इट्स नॉट सा, ये हमारे पास नो रियल सोल्यूशन है ना, क्योंकि हमारे पास आंसर क्या आ गया, नो रियल सोल्यूशन, क्योंकि अगर ये हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं इसको, तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर माइनस आता, और अंडर रूट के अंदर माइनस आने का मतलब कि हमारे पास ये आयोटा होता, और आयोटा एक नॉट रियल सोल्यूशन है, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया वाई इज इक्वल टू थ्री, इसी को सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, और इसी को तो हम लिखते हैं कि वाई इज इक्वल टू थ्री, दोबारा इसकी तरफ आते हैं, देन हम लोग यहाँ पे हिंट लिखते हैं कि वाई इज इक्वल टू टू की पावर एक्स, वाई इज इक्वल टू टू की पावर एक्स, देन हम लोग इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करेंगे, टू पावर एक्स इज इक्वल टू थ्री, टू पावर एक्स इज इक्वल टू थ्री। अब अप्लाई करना है नेचुरल लॉग अप्लाई, ठीक है, लॉग टू पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग थ्री, लॉग टू पावर थ्री इज इक्वल टू लॉग थ्री, देन हमारे पास यहाँ पे आ जाए एक्स लॉग टू इज इक्वल टू लॉग थ्री। अब हम लोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो आएगा वो आएगा एक्स लॉग टू, तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू लॉग थ्री डिवाइडेड बाय लॉग टू, इसको हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, लॉग टू और थ्री वाली फॉर्म में, तो एक्स का आंसर क्या है, लॉग टू और थ्री फॉर्म, ठीक है, ये एक्स का क्या आ गया आंसर। अब हमारा मकसद आंसर तो निकालना था कि एक्स का आंसर क्या आया, एक्स आंसर आ गया जी लॉग टू और थ्री, बट ये फाइनल नहीं है, हम लोगों ने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है कि नहीं, तो देन हम लोग ये करेंगे कि टू पावर एक्स प्लस फोर पावर एक्स प्लस एट पावर एक्स इज इक्वल टू थर्टी नाइन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी में वैल्यू को पुट कर देता हूं, ठीक है, एक्स की जगह इसमें, तो ये हमारे पास आ जाएगा टू की पावर एक्स प्लस टू टू एक्स प्लस टू थ्री एक्स इज इक्वल टू थर्टी नाइन, फिर हमारे पास आ जाएगा टू की, अब स्टूडेंट्स इस एक्स की जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट कर लेनी है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू लॉग टू पावर थ्री प्लस, इस एक्स की जगह भी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, टू टू लॉग टू पावर थ्री प्लस, इसकी जगह भी हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है एक्स की जगह, तो टू थ्री लॉग टू पावर थ्री इज इक्वल टू थर्टी नाइन, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा इसके बाद ये, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं टू लॉग टू की पावर थ्री की जगह सिर्फ थ्री, जो पावर बच गई ये लिख लिया, प्लस इसकी जगह इसकी पावर को शुरू में ले जाएंगे, टू लॉग टू थ्री पावर टू प्लस, इसकी जगह ये भी शुरू में चला जाएगा लॉग टू, शुरू वाली वैल्यू पावर में चली जाती है, टू थ्री पावर थ्री इज इक्वल टू थर्टी नाइन, ठीक है, फिर थ्री प्लस लॉग टू की जगह हम लोग सिर्फ उसकी पावर को लिखेंगे थ्री स्क्वेयर प्लस टू लॉग टू की जगह हम लोगेंगे थ्री पावर थ्री इज इक्वल टू थर्टी नाइन, फिर इसके बाद हम लोग कहेंगे थ्री प्लस नाइन प्लस ट्वेंटी सेवन इज इक्वल टू थर्टी नाइन एंड थर्टी नाइन इज इक्वल टू थर्टी नाइन। सो हम लोगों ने ये प्रूव कर लिया कि हमारे पास ये आंसर किस तरह का आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आप लोगों ने सीखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इस इक्वेशन का कैसे आया, और हम लोगों ने इसकी कैसे सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो देन आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।